हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रिशियन एंड डीटीएस सर्विस। तो गाइस, आज की वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे फैन रेगुलेटर कनेक्शन कैसे होते हैं, फैन रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, उसके पूरा फुल डिटेल में जानेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा बोर्ड है, इसमें फैन रेगुलेटर लगा है बट ये काम नहीं करता, तो इसका कनेक्शन फुल कनेक्शन बताएंगे आपको कैसे होता है। चलिए बोर्ड ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, ये फैन रेगुलेटर का दोनों कनेक्शन हमारा निकला हुआ है और बटन से, ये हमारा बटन से फैन रेगुलेटर फैन चलता है। तो इसको हम वायर को पहले खोल लेंगे, फैन का वायर जो है ये खोल लेंगे और इसको निकालने के बाद यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। और ये वाला कनेक्शन इसमें लगा देंगे गाइस। अगर आप बटन ऑन करके फिर फैन रेगुलेटर ऑन करना चाहते हैं तब ये कनेक्शन यहाँ पे लगाइए गाइस। अगर डायरेक्ट ऑन करना चाहते हैं तो ये कनेक्शन जो यहाँ पे लगा है, ये कनेक्शन आप इस टर्मिनल पे प्लस इस वाले टर्मिनल पे चाहे जहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे जहाँ पर लगा सकते हैं, फेस वाले टर्मिनल पर रहेगा गाइस। तो ये देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद टैपिंग करके ये फैन रेगुलेटर से अभी हो गया, जैसे ही बटन ऑफ आएगा, बटन ऑन करके फैन रेगुलेटर से हम पूरा वर्क कर सकते हैं अभी गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा फ्रेंड, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह इलेक्ट्रिक का वीडियो और टीवी रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।